हेलो दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह। जैसा कि हमारी डेट शीट आ चुकी है और क्लास 12 के एग्जाम बहुत ही करीब आ गए, इसके लिए मैं आपके पास में लेकर के आया हूं 45 डेज की प्रिपरेशन सीरीज। ठीक है, ये पूरी पूरी सीरीज मैंने इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाई है कि भाई एक नॉर्मल सा बच्चा जिसने पूरी साल में कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी अगर इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो करते हुए चलता है तो अपने 70 मार्क्स में से 67 मार्क्स को गारंटी लेकर के आ सकता है, अगर वो बिल्कुल दिल से मेरे सामने तैयारी करता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 फिजिक्स। मैं यहां पर सारा कंटेंट फिजिक्स के अवेलेबल कराने वाला हूं, यानी फिजिक्स और मैं आपको मास्टर बना करके छोड़ूंगा। आपके पूरे के पूरे मार्क्स 70 में से 67 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी 3 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी आपके खुद की रहेगी। यानी कि 70 का 70 आप लाना चाहते हैं तो दिल से शिद्दत से मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं लेकिन वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना, क्योंकि आखिर में आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल पॉइंट जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 45 डेज का हमको टाइम टेबल लिखना है, जिसमें से अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 20 डेज और फिर बाद का 21 डेज। ठीक है, अब बीच में जो दिन बचे उसका हम बता दो क्या है। एक तो शेड्यूल बनाए अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द चैप्टर की लेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल को फिक्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरे पास में 5, 6 और 7 जनवरी ये 3 दिन है। ठीक है, जिसमें मेरे को काम करना केवल चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 पर। अब बात आती है काम करना क्या है। ठीक है, काम बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट आपको पढ़ने हैं नोट्स, सेकंड आपके पास में जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर कुछ बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें अंदर लिखा होता है नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे होते हैं। आप केवल उन बॉक्सेस को पढ़ना है जो ब्राउन और ब्लू कलर के होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यू हम पढ़ेंगे केवल 5 साल के, 5 ईयर्स के पुराने, इंक्लूडिंग कोरोना वाला। हाँ, वाला तो आपको मिलेगी नहीं ना, कोरोना के पीरियड में तो जो एग्जाम हुए नहीं था उसका आपको मिलेगा नहीं, उसको हटा करके 5 साल टोटल 5 इयर्स के क्वेश्चंस। इसके बाद एसएसएल रीजन क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं वो ले आकर तो कहां मिलने वाली है ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल विज्ञान गुरु वीजीपीएस, ये मेरा चैनल है जिसके ऊपर आपको मिलने वाले हैं सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे पीवाईक्यूज और जितना भी मटेरियल आपको रिक्वायर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला दो चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास 3 दिन है। 3 दिन बहुत ज्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, अगर आप चाहते हो तो 9 घंटे में 2 चैप्टर तैयार करने हैं, उनमें नोट्स रिटन है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी केवल बॉक्सेस हैं वो पढ़ने। ठीक है, उसके बाद जो पीवाईक्यू है प्रीवियस 5 ईयर के वो पढ़ने हैं और एसएसएल रीजन ऑफ केस बेस्ड। ठीक है, क्योंकि इनका वेटेज अच्छा खासा अपन को मिलने वाला है, ये गलती करवाते हैं इससे अपने नंबर चले जाएंगे, पर भी अपने को साथ में फोकस करते जाना है हर एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 दिन के अंदर आपको ये दो चैप्टर पढ़ना है तो ये दोनों चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, मतलब इन्हीं को डेडिकेशन देना, बस बाकी चैप्टर को बाद में लाने देंगे इस टाइम के लिए। ठीक है, ये हो गया 5, 6, 7 जनवरी। ठीक है, जनवरी का ये शेड्यूल है आपका। उसके बाद 8 एंड 9 ये 2 दिन हम देंगे चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आ रही है कि इनको 3 दिन दिया, इसको मैंने अकेला 2 दिन दिया मेरे चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में लेंथ रखता है, अपने आप में नंबर भी बढ़िया गेन करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 जनवरी, ये सब जनवरी चली है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये दो चैप्टर मैग्नेटिज्म, 10, 11, 12 तीन दिन मैग्नेटिज्म के लिए। फिर 13, 14 और 15 जनवरी ये आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 छोटा है, चैप्टर नंबर 8 बहुत ही छोटा है, बस 7 में आपको समय लगने वाला है, सभी की कैटेगरी के हैं इसलिए मैंने इनको इकट्ठा एक ही बार छोड़ दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 16 और 17 जनवरी। ठीक है, इसमें आपका रहेगा चैप्टर नंबर 9, दैट इज रिऑप्टिक्स, 2 दिन आगे दे रहा हूं सिंगल चैप्टर को, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसमें से आता बहुत है। ठीक है, उसके बाद 18, 19 जनवरी इसमें रहेगा आपका चैप्टर नंबर 10। ठीक है, अब रिऑप्टिक्स में काफी सारा तो कटा हुआ है लेकिन फिर मैंने 2 दिन दिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसलिए मैं रिऑप्टिक्स को अभी देखो 2 दिन लेकर के चलूंगा। फिर आपके बाद हमारे पास में 20 और 21 जनवरी। ठीक है, इसमें रहेगा आपके पास चैप्टर नंबर 11, दैट इज डुअल नेचर, अगेन सिंगल चैप्टर को मैंने 2 दिन दिए क्योंकि इसका अंदर चीजों को समझना आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, फिजिक्स से सबसे मेन चीज क्या है कि क्वेश्चन को समझ पाना, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं पर उनको समझ पाना ये हमारा टास्क हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी, इसमें हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 12 यानी कि एटम, अकेला दिन अकेला चैप्टर। 23 जैन न्यूक्लियर यानी चैप्टर नंबर 13, सिंगल डे सिंगल चैप्टर के छोटे छोटे चैप्टर है, कंटेंट इसमें लिमिटेड होता है, लिमिटेड ही पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद 24 एंड 25 जनवरी,
इसमें चलेगा आपका चैप्टर नंबर 14 यानी कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रहेगा कौन सा 14 चैप्टर। इसको मैंने दो दिन दिए, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसमें ऐसी चीजें हैं जो आपकी रेगुलर फिजिक्स में यूज नहीं होती है, तो ये इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं लूंगा भाई 26 और 27 दो दिन। ये दो दिन हमको क्या करना है, पूरा रिकैप लेना है, ये जितना हमने चैप्टर पढ़ लिया है 5 से लेकर के और 25 तक, इसमें हम क्या करेंगे रिकैप करेंगे पूरे चैप्टर्स का। ठीक है, रिकैप रहेगा, दो दिन में हम आराम से पढ़ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, बहुत आसानी से है। फिर आएगा 28, 29 और 30, ये दो दिन है, इनमें आपको तीनों दिन एक एक सैंपल पेपर होगा जो आपको करना है। तीन तीन दिन, तीन घंटे एक सैंपल पेपर, और यहाँ पर आकर के आपका ये टास्क खत्म। अब जो रिमेनिंग टाइम रहेगा उसमें आप क्या करोगे, पूरा शुरुआत से सेम शेड्यूल को फॉलो कर लोगे। ठीक है, बाकी के बच्चों में तो यहाँ पर जो मैंने आपको टारगेट बताया अभी 5 तारीख से स्टार्ट करोगे 25 तारीख तक, यानी कितने दिन होते हैं आपके पास में, लगभग 20 दिन होते हैं। इन 20 दिन में अपन पूरे के पूरे 14 चैप्टर को गो थ्रू कर लेंगे अलोंग विद उनके नोट्स, एनसीईआरटी के बॉक्सेस, पीवाईपी 5 ईयर्स के, और उनके असेसमेंट रीजन एंड टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ये पेपर पूछे जाएंगे। फिर लास्ट में जब आप यहाँ पर ये 3 सैंपल पेपर कर लोगे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इनके साथ में एक चीज बहुत जरूरी है भाई, हर चैप्टर के कंप्लीशन के साथ में, मतलब ये जो मैं एक शेड्यूल देख रहा हूँ उसके कंप्लीशन के बाद में आपको एक करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट, जो मैं करूंगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल शब्दों में टेस्ट। ठीक है, बस ये टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा आप उसमें से क्या कर पा रहे हो। टेस्ट बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं करेंगे अपन, इन चीजों में से करेंगे पीवाईपी वन में से एज इट इज। ठीक है, इतना सा प्रोग्राम है, इसको डेडिकेशन के साथ में अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भैया गारंटीड आपके मार्क्स आने वाले हैं। और अगर लाइटली लेके जाओगे, अगर आप यही बोलोगे कल मेरा प्री बोर्ड है और कल मेरे को कहीं में जाना है, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर 3 घंटे आप कम से कम निकालो फिजिक्स के लिए, कम से कम 3 घंटे निकालो फिजिक्स के लिए, तब काम हो पाएगा। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट नोट की, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट की जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में आपको बोला। अब अगर मेरे को इस बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ना है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बुक का नाम सजेस्ट कर रहा हूँ, ये अरिहंत का चैप्टर वाइज है जिसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको परचेज कर लेना है। अब बात आती है कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि हमें तो स्कोर करना है। ठीक है, अब ये वाली बुक है, आप उसको हो सकता है कि नई परचेज करें, या मेरा सजेशन है कि आप पुरानी परचेज कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, दोनों कंटेंट सेम टू सेम है, कोई अपग्रेडेशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूंगा कि भाई मेरा काम आप लोगों की तैयारी कराना है, आपके एग्जाम को पूरी तरीके से फड़वा देना है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, आपकी इच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए इस वीडियो को।